गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज अपना इंग्लिश ग्रामर का सेकंड लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं इंग्लिश में वो कितने तरह के होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को पूरा, और इसमें हम एक्सरसाइज भी करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चलिए, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स क्या होते हैं? प्रकार। सेंटेंसेस आप सभी को पता है वाक्यों को कहते हैं हिंदी में, तो कौन कौन से तरह के सेंटेंस होते हैं? सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंस, इट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट टू टेल अ फैक्ट, इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? वे सेंटेंस होते हैं जो कोई बात बताते हैं, कोई फैक्ट हो गया, कोई सच बात बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तो एग्जांपल क्या क्या होते हैं असर्टिव सेंटेंस, वो सेंटेंस होते हैं जिनको पढ़ के आपको पता लगे कुछ सच बात बताई जा रही है, ठीक है, वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसे कि द गर्ल ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, द गर्ल ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, वॉट जूस, गर्ल ने ग्लास ऑफ जूस पिया। वी ऑल विश टू लिव अ हैप्पी लाइफ, हम सब कामना करते हैं कि अच्छी जिंदगी जिए। साइंस इज द ग्रेटेस्ट बून इन द मॉडर्न साइंस, साइंस सबसे बड़ी उपलब्धि है मॉडर्न वर्ल्ड में आज के समय में, ठीक है। ये सब सच बातें हैं, ये कुछ डिक्लेरेशन होते हैं, कुछ कहना, कुछ बात कह देना, ये सब आती है इसके अंदर, और इसके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। सेकेंड तरह के सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये आपको पता ही होगा। इट आस्क अ क्वेश्चन, इट ऑलवेज एंड्स विद एन इंटेरोगेशन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई सवाल पूछा जाता है, जैसे कि व्हाट इज इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स में क्या है, यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है। सेकेंड, विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम कुछ सवाल पूछते हैं, और इन सेंटेंसेस के पीछे आप देख सकते हैं कि सभी के पीछे क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, देख रहे हैं सभी के पीछे क्वेश्चन मार्क है, क्लियर। दीज आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इंटरोगेट करना मतलब होता है पूछताछ करना, उसी से वर्ड बना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर और अ रिक्वेस्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनको पढ़ने पे आपको पता लगे कि कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है या कुछ रिक्वेस्ट जा रही है। ऑर्डर देना का क्या मतलब होता है? ऑर्डर देना मतलब हुक्म देना, आज्ञा देना, रिक्वेस्ट मतलब कुछ मांगना, ठीक है, रिक्वेस्ट करना कुछ। दीज ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप, और इनके पीछे भी हमेशा फुल स्टॉप आता है। एग्जाम्पल से समझेंगे आप बेहतर। प्लीज सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, ये ऑर्डर दे रहे हैं वो। लिफ्ट दिस बॉक्स, ये बॉक्स उठाओ, ऑर्डर हो गया। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, ये रिक्वेस्ट कर रहा है वो, ठीक है, मुझे घर जाने दो, विनती कर रहा है वो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे देखो ऑर्डर दिया जा रहा है, हमेशा सच बोलो, क्लियर। फोर्थ एग्जाम देखिए क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई फीलिंग, जिन सेंटेंसेस को पढ़ के आपको पता चले कि फीलिंग की बात हो रही है, कोई भावना, कोई भाव, ठीक है, हंसी, खुशी, दुख, खुशी, ठीक है, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब पता चले आपको अगर कोई सेंटेंस पढ़ के, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। इट ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, अब देखिए जो ये सेंटेंस होते हैं इनमें हमेशा लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, देखिए किस तरह का होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क आता है इसमें लास्ट में हमेशा, क्लियर। एग्जाम्पल देखिए, वॉट अ डिलीशियस डिश, कितनी स्वादिष्ट डिश है, मैं खुशी से कह रहा हूँ कि कितनी स्वादिष्ट डिश है, मैं खुश हो गया। वॉट एन इम्प्रेसिव गर्ल शी इज,
ठीक है। अब वो देखो कितनी अच्छी लड़की है वो, ठीक है। वॉट अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, कितनी सुंदर बटरफ्लाई है। अंदर से देखो खुशी का भाव आ रहा है ना। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, ये कुछ फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, दुख, हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, ये सब फीलिंग का भाव आता है इसमें। तो सबसे पहले फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, हमने फोर टाइप्स के सेंटेंस पढ़े। सबसे पहले एसर्टिव सेंटेंस, जिसमें कोई फैक्ट की बात करी हो, कोई सच पर बताई हो, या कुछ कहा जाए, नॉर्मली कुछ कहा जाए, ठीक है। उसमें ना कोई क्वेश्चन होना चाहिए, ना उसमें कोई फीलिंग होनी चाहिए उस बात में, ठीक है, और ना ही उसमें कोई ऑर्डर होना चाहिए, तो वो एसर्टिव सेंटेंस होते हैं। उसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई सवाल पूछा जाए, वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्लियर। उसके बाद थर्ड होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनको पढ़ने पे आपको पता चले कि कोई ऑर्डर दिया जा रहा है या कोई विनती करी जा रही है, रिक्वेस्ट करी जा रही है कोई, वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और लास्ट होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिनको पढ़ने पे आपको किसी फीलिंग का पता चले, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, खुशी की, दुखी की, उत्साह की, ठीक है, फीलिंग का पता चले, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अब हम रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड। अब हमें देखिए सेंटेंसेस को पढ़ना है और बताना है कि किस तरह का ये सेंटेंस है। क्लियर, बता पाएंगे सभी? चलिए बताइएगा। सबसे पहला देखिए, कीप ऑफ द ग्रास, घासों से दूर रहो। इसमें देखो कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है कि घासों से दूर रहो, घास से दूर रहो, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? ये इम्पेरेटिव। क्लियर, चलिए। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने बड़े हो? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा है इसमें पीछे, तो किस तरह का सेंटेंस हो गया? ये हो गया इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर, व्हाट अ डिफिकल्ट टास्क इट इज, कितना मुश्किल काम है ये। अब देखिए दुखी का भाव आ रहा है अंदर से, कितना मुश्किल काम है ये। तो जब मैं फीलिंग आती है तो कौन से वर्ड्स होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे कोई बात बताई जा रही है, सिंपल बात बताई जा रही है कोई, तो किस तरह का सेंटेंस है? ये है असर्टिव सेंटेंस। चलिए, हाउ नॉटी द चाइल्ड इज, बच्चा कितना शरारती है। देखिए पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो कौन सा सेंटेंस है ये? वेरी गुड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सिक्स देखिए, द मून शाइन्स एट नाइट, चांद रात में चमकता है। सीधी बात है, साफ बात हो रही है, इसमें कोई और है नहीं, तो एक किस तरह का एसर्टिव, सच बात है बिल्कुल, ये चांद रात को ही चमकता है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, कुछ पूछा जा रहा है, परमिशन मांगी जा रही है, देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो किस तरह का सेंटेंस हो गया ये बताइए जल्दी से? इंटेरोगेटिव, वेरी गुड। हाउ डू यू डू, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया?
इंटेरोगेटिव, क्लियर। चलिए, व्हाई आर दे मेकिंग अ नॉइज, वे शोर क्यों मचा रहे हैं। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो ये भी किस तरह का सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट अ हॉरिबल साइट इट इज, इट वॉज, कितनी डरावनी जगह थी वो। अगर डर की बात हो रही है इसमें, कितनी डरावनी जगह थी वो, फीलिंग आ रही है अंदर से। और देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है पीछे, तो किस तरह का सेंटेंस हुआ ये बताइए जल्दी से। वेरी गुड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो आप यहां से देख के फिल कर लीजिएगा, साथ साथ आपने फिल भी कर लिया होगा। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, राइट फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अबाउट ईच पिक्चर। फर्स्ट एग्जाम्पल हैज बीन गिवन टू हेल्प यू। अब देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर्स दे रखी हैं, तो आपको फोर सेंटेंसेस यहाँ पे लिखने हैं, क्लियर। चलिए लिख देते हैं। लायन के बारे में लिखा हुआ है, द लायन लिव्स इन द फॉरेस्ट, जो लायन है वो फॉरेस्ट में रहता है। डज द लायन लिव इन अ फॉरेस्ट, क्या लायन फॉरेस्ट में रहता है। टेम द वाइल्ड लायन को सिखाओ, पालतू बनाओ उसे। हाउ फियरसम दिस लायन इज, कितना डरावना खूंखार लायन है ये। चलिए सेकंड पिक्चर किसकी है, मोबाइल फोन। चलिए इसके बारे में देखते हैं। दिस इज अ स्मार्टफोन, ठीक है। डज इट हैज अ कैमरा, क्या इसमें कैमरा है। उसके बाद क्या बोलेंगे, स्विच ऑफ योर मोबाइल। अपना मोबाइल बंद कर दो। और लास्ट में, व्हाट अ अमेजिंग स्मार्टफोन इट इज। कितना बेहतरीन स्मार्टफोन है ये, ठीक है। हो गया स्मार्टफोन के बारे में 4 लाइन्स। चलिए अब ताजमहल के ऊपर लिखते हैं 4 लाइन्स। ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, ताजमहल एक बहुत सुंदर जगह है। वेयर इज द ताजमहल, ताजमहल कहाँ पर है, ठीक है। अब एक इंपेरेटिव सेंटेंस लिखते हैं ताजमहल के बारे में। डोंट लिटर इन द ताजमहल, लिटर का मतलब होता है गंदगी फैलाना, ठीक है। ताजमहल में गंदगी मत फैलाओ, ठीक है। व्हाट अ मार्वेलस Thank you.
वॉट आर मार्वेलस, वॉट आर मार्वेलस मॉन्यूमेंट, कितना शानदार मॉन्यूमेंट है। क्लियर हो जाएगा सभी का काम ये। चलिए आगे बढ़ते हैं सी पार्ट। रीराइट ईच सेंटेंस, देयर इज समथिंग मिसिंग इन ऑल ऑफ देम। अब देखिए इन सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिसिंग है, उनको ठीक करने के हमें दोबारा लिखना है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी आएगा। चलिए ठीक करते हैं इनको। क्लियर। सेकंड, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। क्लियर। थर्ड, द सन वेंट डाउन एट 6 PM, सूरज जो है 6 बजे डूब गया। Who has taken my pen? मेरा पेन किसने लिया? मेरा पेन किसने लिया? यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया ये, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पे। May God bless you with good health, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे और अच्छी सेहत दे। सिंपल सेंटेंस है ये। चलिए लास्ट, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। यहाँ पे देखो फीलिंग आ रही है खुशी वाली। We have won the match. Clear? हम मैच जीत गए हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है, लेसन 2। आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी बुक में, ठीक है? अच्छे से कंप्लीट करिएगा जैसा बताया गया है आपको। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और ध्यान से सुनिएगा भी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।